And as we speak, some breaking news also coming in. The Parliament security breach probe is intensifying, and the sixth accused who've been arrested is likely to be produced in the court. Sixth accused, Mahesh, has been nabbed, and he is in fact likely to be produced in the court. And these are the details coming in as far as the Parliament security breach probe is concerned. The sixth accused, Mahesh Kumawat, has been nabbed by the Delhi police, and he is going to be produced before the court. We will be bringing you all the details now. The sixth accused, Mahesh, was in fact closely linked to the mastermind of this case. These are the breaking news trickling in. Mahesh Kumawat, the sixth accused in the Parliament breach case, was arrested by the Delhi police. Anuj, my colleague, is joining us to give us more details. Anuj, jo chhata accused hai Mahesh, usko police jo hai abhi court mein pesh kar sakti hai, isme aur jankari dijiye. बिल्कुल तरीके से इस पूरे मामले में ललित झा की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ये बात सामने आया कि दो और लोग थे जिसमें महेश जो कि छठा आरोपी है उसे भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है रिमांड की मांग करेगी। अब तक पुलिस के हाथ करीब एक दर्जन से ज्यादा सबूत लगे हैं जिसमें जो मोबाइल फोन जलाए गए थे उनके अवशेष भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जाहिर तौर पर इंस्टाग्राम अकाउंट जो ललित झा का था उसे भी डिकोड कर लिया गया है, जिसमें साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि किस तरीके से ये लोग जो हैं वो लोगों को सरकार के अगेंस्ट लोगों को भड़काने की कवायद इनके द्वारा की जा रही थी। साथ ही साथ जो प्लानिंग थी, जो स्ट्रेटेजी इनकी थी, उसको उसकी जो तमाम सबूत थे वो फिलहाल पुलिस के हाथ लग गए, स्पेशल सेल के हाथ लग गए हैं। अब स्पेशल सेल की टीम जो है वो छठे आरोपी को भी कोर्ट में पेश करेगी और निश्चित तौर पर रिमांड की मांग की जाएगी, जिसके बाद उससे भी पूछताछ कर इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद की जाएगी। हालांकि ललित झा से जो तमाम पूछताछ किए गए, क्योंकि ललित झा ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, तो ललित झा से भी पुलिस के हाथ कुछ क्लू लगे हैं। और जब आज महेश को कोर्ट में पेश किया जाएगा उस दौरान भी कोर्ट में पुलिस ये बताएगी कि आखिरकार जो रिमांड पर लेना है उसके एवज में पुलिस के हाथ क्या क्या सबूत लगे हैं। तो फिलहाल एक कहा जा सकता है इस पूरे मामले का छठा आरोपी अब वो भी पुलिस की गिरफ्त में है, और अब इस पूरे मामले की कड़ियां जो हैं वो जोड़ने की कवायद स्पेशल सेल के द्वारा की जाएगी। स्पेशल सेल की जो तमाम यूनिट है वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अलग अलग टीमें जो हैं अलग अलग एक्यूज से पूछताछ कर रहे हैं, और उसके बाद तमाम सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। तो फिलहाल करीब एक दर्जन से ज्यादा सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं, और अब छठा आरोपी जो है उसे भी कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी पुलिस। जी All right, Anuj, appreciate you joining us with all the details. Let us now also listen in to what the relatives of the kingpin Lalit Jha in the Parliament breach case had to say. वो इशार स्टडी के लिए गई थी, इशार स्टडी करती है वो। हमें तो पता चला है जब टीवी में देखा है, हमें तो पता चला है। बड़ा अच्छा लड़का है, जो हमारा सोना बेटा है, हमको कुछ समझ में नहीं आते हैं। हमारा गाड़ी पर बैठा दिया आपने, ये पास था, बहुत बढ़िया लड़का था, उसको इनाम मिला था मिथिलांचल परिषद से, ये कल पता चला है उनके गिरफ्तार होने के बाद, वो भी दूसरों से। Right, so those were the breaking developments there. And now what we're also getting to know that the sixth accused, Mahesh, has been arrested, and he will be produced, likely rather to be produced before the court. And Mahesh was a very close associate of the mastermind Lalit Jha.